हेलो दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता, जीके टेक वाई आरएमयू में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पैडागोजी का थर्ड प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इससे पहले भी हम दो प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। बच्चे की जो वृद्धि है मुख्यतः संबंधित है, ऑप्शन नंबर वन है शारीरिक विकास से, ऑप्शन नंबर टू है सामाजिक विकास से, ऑप्शन नंबर तीन है भावात्मक विकास से, ऑप्शन नंबर चार है नैतिक विकास से। शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, भावात्मक विकास। तो अगर हम बच्चे की वृद्धि की बात करें तो जो बच्चे की वृद्धि होगी वो होगी शारीरिक विकास से। बच्चे की वृद्धि से आशय शारीरिक विकास की वृद्धि से है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य का आशय है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो अगर हम विकास में वृद्धि से बात करें, विकास में वृद्धि से आशय है वजन में वृद्धि से है। वजन में वृद्धि से है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन नंबर वन है पर्यावरण, आहार, स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर फोर्थ है सभी। तो इसका आंसर होगा ये सभी। आगे चलते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर फोर है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। तो ऑप्शन नंबर वन है मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, बाल्यावस्था की समाप्ति या किशोर अवस्था। आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? किशोर अवस्था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पांच है, सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है, सहपाठियों का जो दबाव होता है सबसे ज्यादा अधिक प्रभाव किस अवस्था में डालता है। तो ऑप्शन नंबर वन है प्रारंभिक बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में, प्रारंभिक किशोरावस्था में या उत्तर किशोरावस्था में। तो जो सहपाठियों का सबसे ज्यादा दबाव होता है उत्तर किशोरावस्था के अंतर्गत होता है। आगे चलते हैं, आपको बताना है कि आपने ये अब तक जो हमारे दो प्रैक्टिस सेट हुए थे वो 2020 क्वेश्चंस के थे। आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो 30 क्वेश्चंस का है। आपको बताना है कि आपके कितने सही थे, कितने आपने किए, आपकी तैयारी को कौन सा पोर्शन है आपको जो और ज्यादा तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। तो दबाव और तनाव की काल की अगर हम बात करें तो स्टेनले हॉल ने किसे कहा है? किशोरावस्था को, वृद्धावस्था को, मध्य बाल्यावस्था को या उत्तर बाल्यावस्था को? तो इसका आंसर होगा किशोरावस्था को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन है, परिपक्वता का एक उदाहरण है जब बालक सीखता है। परिपक्वता का एक उदाहरण है जब बालक सीखता है। चित्रांकन करना सीखता है, साइकिल चलाना सीखता है, पढ़ना सीखता है या चलना सीखता है? तो इसका आंसर होगा जब बच्चा चलना सीखता है तो ये परिपक्वता का उदाहरण है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एट है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों की निम्न में से क्या शामिल है? तो विकास के परिवर्तनों में क्या होता है जिसमें परिवर्तन होता रहता है? रूप में परिवर्तन होता रहता है, धर्म में, अनुक्रम में या ये सभी?
तो आपका आंसर होगा धर्म। जो विकास की दर होती है वो शैशवावस्था में अलग होती है, बाल्यावस्था में अलग होती है, किशोरावस्था में अलग होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में ऐसे कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत नहीं है, इससे अगर आसे अगर हम देखें, विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है नंबर 1, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो विकास के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो एकीकरण का सिद्धांत भी हमने पढ़ा है, विविधता का सिद्धांत भी पढ़ा है, निरंतरता का सिद्धांत भी पढ़ा है, बट ये नहीं है। विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत ना होके ये होता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, सेफेल ओकोडल, इसमें सीफेल ओकोडल आ जाए या सेफेल ओकोडल आ जाए, सेफेल ओकोडल जो प्रवृत्ति होती है सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास कैसे होता है? सेफेलोकोडल, हमने दो प्रवृत्ति देखी पहली क्लास में थी, सेफेलोकोडल और प्रोक्सीमोडिस्टल। सेफेलोकोडल को अगर हम देखें इसकी ट्रिक, आगे देखते हैं, पहले आप बताइए, सिर से पांव की ओर, निकटवर्ती से दूरवर्ती की ओर, पांव से सिर की ओर, या दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंगों तक। तो अगर हम बात करें सेफेलोकोडल या सीफेलोकोडल से आशय सिर से पांव की ओर है, जिसमें सी या सा से आए तो उसे हम पहचान जाते हैं कि ये सिर से संबंधित है, सिर से पैर की ओर। इसे शीर्षगामी विकास का सिद्धांत भी बोलते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, विकास के सिद्धांतों के बारे में, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में ऐसे कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो आपको ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन करें तो आपको, जब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो 50% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कि पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा उसने गलत, आपने सही बता दिया। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है, विकास एक परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है, विकास वंशानुक्रम और वातावरण के बीच सतत अन्य क्रिया है, प्रत्येक बच्चा, ऑप्शन डी अगर हम देखें, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चे में व्यक्तिक भिन्नताएं बहुत होती हैं। तो व्यक्तिक भिन्नताएं हैं, ये बहुत होती हैं। तो अगर हम देखें विकास एक परिमाणात्मक अवस्था है, ये गलत है, वृद्धि एक परिमाणात्मक अवस्था है, यही इसका आंसर होगा, और जो आगे के ऑप्शन है वो तीनों सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किसको विद्यालय में समाजीकरण की एक विशिष्ट अवस्था माना जाता है? तो विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था से आशय है, विद्यालय में बच्चा कब प्रारंभ करता है आना? तो हमें पता है शैशव अवस्था, जन्म से 6 वर्ष, बाल्यावस्था हमारी 6 to 12, और किशोरावस्था हमारी 12 से 18 होती है। तो अगर हम देखें औपचारिक तौर से जो बच्चा होता है इसमें तो आता ही नहीं है, जन्म से 6 वर्ष, 6 वर्ष, इसमें जो बाल्यावस्था होती है, जो औपचारिक रूप से विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है, इसे बाल्यावस्था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना। ऑप्शन 2 है, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ऑप्शन अगर 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 है, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। ऑप्शन 4 है, सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो इसमें अगर हम देखें निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है, तो इसमें भी नेगेटिव पूछ रहा है, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता और सामाजिक कौशलों का सीखना बिल्कुल सही है, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, गलत गलत मिल गया। आगे भी ये भी सही है,
कक्षा में प्रजातंत्र के लिए एक स्थान होना चाहिए, समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, यह भी सही। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप बताएं कि 30 में से आप कितने क्वेश्चन कर पाए। स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां क्या होता है, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो स्कूल है, स्कूल के अंदर से किसे दिया जाएगी प्राथमिकता, बच्चों को। आगे चलते हैं, 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। निष्क्रिय एजेंसी जो सामाजिकरण में कोई भूमिका नहीं निभाती है बच्चे के में, अगर ऑप्शन देखें तो पहला है परिवार, दूसरा है इको क्लब, तीसरा है सार्वजनिक पुस्तकालय, चौथा है स्वास्थ्य क्लब। तो अगर हम देखें निष्क्रिय एजेंसी जिसमें बच्चे के में कोई योगदान नहीं होता है, जो है आपका सार्वजनिक पुस्तकालय। जब उसमें व्यक्ति ही नहीं होंगे तो उसका सामाजिकरण कैसे होगा, पुस्तकालय से ऐसे यहां पर पुस्तकों से। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्याजे के सिद्धांतों के अनुसार, प्याजे के सिद्धांतों के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि होती है। तो हमें पता है प्याजे ने चार अवस्थाओं के बारे में बताया, इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष होती है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 होती है, और वहीं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 होती है। इसमें क्या पूछा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष, तो 2 से 7 वर्ष इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, छोटा करना है इसे थोड़ा सा। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, पॉजिटिव पूछ रहा है। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, हो सकता है। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चों के बौद्धिक विकास के हैं, ये यहां तक है बस, ये क्वेश्चन आगे का है, प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निर्धारित निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 12th के बच्चों को, 6 से 8 तक के बच्चों के लिए शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं, पहला ही इसका ऑप्शन आंसर होगा। ये क्वेश्चन यहां से है, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के चार चरणों जिसमें संवेदी चालक, पूर्व परिचालक, शुद्रण परिचालक, औपचारिक परिचालक को चिन्हित करता है। तो अभी हमने पढ़ा कौन था, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, कॉलवर्क का नैतिक विकास का सिद्धांत, फ्रायड का मानसिक यौन विकास का सिद्धांत, या जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, जीन प्याजे के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 19 है, जीन प्याजे के अनुसार प्रारूप जो स्कीमा होता है, स्कीमा का आशय यहां पे पॉकेट ऑफ लर्निंग से, पॉकेट ऑफ नॉलेज से है, जितनी हमारे पास जानकारी होती है वही निर्माण वर्तमान के योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है, इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो यहां पे अगर हम बात करें आगे पहले ऑप्शन देखते हैं, समावेशन है पहला ऑप्शन, दूसरा है अनुकूलन के रूप में, साम्यीकरण संशोधन के रूप में, समावेशन समायोजन के रूप में, समायोजन और अनुकूलन के रूप में। अगर हम समावेशन से देखें, समावेशन से आशय आपके पास, सपोज आपके पास कोई नॉलेज है, उस नॉलेज में आप नॉलेज को ऐड करते जा रहे हो,
केवल आप नॉलेज ऐड कर रहे हो, तो उससे ऐसा होता है समावेशन से, आप केवल नॉलेज आपको कहीं से मिल रही है आप ऐड कर रहे हो, उसका आशय होता है समावेशन से। समावेशन को हम आत्मशातिकरण भी बोल देते हैं, बट इंग्लिश में एक ही मीनिंग होता है एसिमिलेशन। और समायोजन की अगर हम बात करें, समायोजन से आशय आपकी जो पूर्व जानकारी है, आपकी जो पूर्व जानकारी है उसमें कुछ संशोधन करना, पूर्व जो जानकारी है उसमें संशोधन करना समायोजन कहलाता है। तो इसका आंसर होगा समावेशन और समायोजन। पहली कंडीशन में केवल ऐड कर रहा है, दूसरे में उसे चेंज भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 अगर हम देखें, रिपीट हुआ है यहीं से क्वेश्चन, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? वही जो हमने देखा, समायोजन चेंज करना होता है, साम्य धारण, संगठन, आत्मशातिकरण। आत्मशातिकरण होगा, आत्मशातिकरण को इंग्लिश में एसिमिलेशन बोलते हैं या इसी को समावेशन भी बोल देते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, भाषा के विकास में आंतरिक भाषण, भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा इनके द्वारा आरंभ की गई थी, चौमस्की के द्वारा, स्किनर के द्वारा, प्याजे के द्वारा या वायवोस्ट के द्वारा। आंतरिक भाषण, आंतरिक भाषण से आस है, यहां पे ऐसा भी आता है कि एक लड़की है जो प्रेस करते टाइम पे अपने आप से बात कर रही है, व्यक्तिगत वार्ता जैसे बोलते हैं, व्यक्तिगत वार्ता के बारे में या आंतरिक भाषण के बारे में जो कहा है वो वायगोत्स्की ने कहा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? सांस्कृतिक रूप से कहीं भी संस्कृति और समाज से रिलेटेड हो चीजें, तो चार्ल्स डार्विन, यूरी ब्रॉफेनवेवर, बी एफ स्किनर, लेव वायगोत्स्की। तो इसका जो आंसर होगा वायगोत्स्की होगा, वायगोत्स्की का जेड पीढ़ी सिद्धांत हमने पढ़ा, जेड पीढ़ी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसे, आकलन के बारे में, आकलन, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 है, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। ऑप्शन नंबर 2 है, आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। ऑप्शन 3 है, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय और चिंता का संचार ना हो। तो इसमें अगर हम देखें तो पहला, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 है, आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन हो, तुलनात्मक मूल्यांकन हमें करना नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय और चिंता का संचार ना हो, गलत। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड देखते हैं किस ऑप्शन में, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड फोर्थ, टू एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, इसका आंसर होगा डी। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कितने सही किए, आप बता के जाना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, आपके लाइक से एक हमें आंतरिक ऊर्जा मिलती है जिससे हम आपके लिए और ज़्यादा एक्साइटेड होकर प्रैक्टिस सेट बनाने की प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन, कक्षा में अधिगमकर्ताओं के क्षमता का समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधि की सूची तैयार करने में। यहां पे अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये थर्ड है ऑप्शन। तो इसका आंसर होगा शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है,
निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? अगर हम अच्छे शिक्षण की विशेषता की बात करें, नहीं है पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है। जनतांत्रिक होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए, स्वेच्छारी होना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग क्या गलत होगा? स्वेच्छारी होना चाहिए, ये गलत है। सब कुछ टीचर के अकॉर्डिंग हो, गलत है। बाल केंद्रित शिक्षा का प्रावधान है तो सब कुछ बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शैक्षणिक विश्लेषण के पूर्व सक्रिय चरण में शामिल है? सीखने के परिणामों को बताते हुए प्रवेश क्षमता का पता लगाना, सीखने की प्रकार की पहचान करना। पहला है सीखने के परिणामों को बताते हुए, दूसरा है प्रवेश क्षमता का पता लगाना, तीसरा है सीखने के प्रकार की पहचान करना। तो इसमें तीनों ही हमें पॉजिटिव लग रहे हैं। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों ही सही। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, मनोचिकित्सक डोमेन से क्या तात्पर्य है? मानसिक कौशल, शारीरिक कौशल, भावनात्मक कौशल या मानसिक या शारीरिक कौशल? तो मनोचिकित्सक डोमेन से अगर हम तात्पर्य की बात करें तो मानसिक और शारीरिक कौशल से है। आगे चलते हैं। 29 है, कौशल सीखने के उद्देश्यों के सर्वोच्च पायदान पर होता है। कौशल सीखने के उद्देश्यों के सर्वोच्च पायदान पर होता है, समझ होती है, मूल्यांकन होता है, प्रयोग होता है या विश्लेषण होता है? तो इसका आंसर होगा मूल्यांकन होता है। आपको बताने हैं 30 में से आप कितने क्वेश्चन कर पाए। लास्ट क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। शिक्षण के 29 अभी फर्स्ट एक और रह गया अभी यह है। शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि का लाभ है। नंबर 1 है, प्रोजेक्ट क्रियाकलापों के लिए रुचि तथा प्रेरणा स्वतः उत्पन्न किए जाते हैं तथा विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति मोहित करने के लिए किस बाह्य बल या अनुनय विनय की आवश्यकता नहीं पड़ती? बिल्कुल सही बात है। यह विद्यार्थियों को उनके भविष्य के जीवन की तैयारी में मदद करती है। बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका होगा फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। आगे चलते हैं। 30 क्वेश्चन है, व्याख्यान विधि का एक लाभ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बच्चों के गलत होते हैं। व्याख्यान विधि का एक लाभ है, समस्या सुलझाने को सुगम बनाता है, विद्यार्थियों में उच्च अभिग्राह्यता होती है, एक लघु अवधि में तथ्यात्मक सूचना का बड़ा भाग प्रकट करता है। उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा एक लघु अवधि में तथ्यात्मक सूचनाओं का बड़ा भाग प्रकट करता है। तो ये हमने देखे थर्ड प्रैक्टिस सेट। और अगर आप वीडियो पे, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको आगे की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हैव अ नाइस डे, बाय।